कैसे हैं आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लर्नर्स अकेडमी में। मैं हूँ रश्मि वोरा। फ्रेंड्स, आज का मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ वो है लोक अदालत। लोक अदालत लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, 10th से लेकर 8th-9th में SST के स्टूडेंट्स जो है SST पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत काम का टॉपिक है। और ये वैसे भी ऐसा टॉपिक है लोक अदालत जो हर एक के काम आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी के भी काम आ सकता है, क्योंकि ये किसी को भी, अगर किसी पर्सन को इंडिविजुअली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है या किसी ने किसी पे केस करना है, तो भी ये लोक अदालत का जो टॉपिक है ये अगर आपको पता है तो यू कैन बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट कि वेयर यू हैव टू गो इन द सिचुएशन इफ यू हैव टू फाइल अ केस ऑन समबडी एंड इफ एनीबडी हैज सूड यू। ठीक है, अगर किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया या आपको किसी के ऊपर कर दिया है, तो आपको उसके लिए क्या प्रोसीजर है। लोक अदालत का भी एक ऑप्शन होता है कि अगर आप कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है टॉपिक, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ों के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सुनिएगा बड़े ध्यान से जो मैं बता रही हूँ आपको टॉपिक। मेरा चैनल में जाइए, सबसे पहले यूट्यूब पे लॉ नोट्स अकेडमी पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, बहुत लेंथी नहीं बनाने वाली हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आता है वीडियो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और अपने कमेंट्स जरूर दिया कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत जो है वो बनाई गई है हर कोर्ट्स के अंदर, जो कि क्रिएट की गई है लीगल सर्विस अथॉरिटी, सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर ये क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, क्यों किए गए हैं और कहाँ पे हैं, ये क्यों है, ये होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं सिविल कोर्ट की तरह। जैसे सिविल कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं, बिल्कुल सेम एज लोक अदालत के अंदर भी केसेस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्यों किए गए हैं, ये क्यों ऑर्गेनाइज, किसने किए ऑर्गेनाइज, ठीक है, ये आगे मैं आपको बताती रहती हूँ सारा डिटेल में। ये जो लोक अदालत होती है ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्टेट अथॉरिटीज के थ्रू, मतलब हर स्टेट के अंदर उनकी जो अथॉरिटीज है उनके थ्रू, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के थ्रू, मतलब स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको एक इनका लीगल सर्विस का ऑफिस और लोक अदालत, जो लीगल सर्विस के ऑफिस जो बने हुए हैं, आप कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते होंगे, दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हर कोर्ट के अंदर आपको एक ऐसा लीगल सर्विस अथॉरिटी का मिलेगा जहां पे आपको बिना फीस के, बिना चार्जेस के आपको वहां पे मिलेगा, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं आप हमारे पास आइए। बहुत बड़ा उनका ऑफिस होता है, लीगल सर्विस अथॉरिटी का ऑफिस, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर बने हैं और ये कंपलसरी है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये ऑफिसेज इनका होना, ताकि जो लोग, गरीब लोग या वैसे भी जो लोग कोर्ट के झंझटों से फ्री होना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हु वांट टू सेटल आउट देयर केसेस थ्रू मीडिएशन, जैसे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन आपने पढ़ा होगा LLB में, BA LLB में, सेम वही चीज़ है ये लोक अदालत। लोक अदालत जो है स्टेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किए हैं, वो लोग लोक अदालत लगाते हैं। इनका काम, अथॉरिटीज का काम अब परमानेंट भी है और लोक अदालत के थ्रू लोगों को, ये लोगों के केसेस को, छोटे छोटे केसेस मीडिएशन के थ्रू सेटलमेंट्स करवाते हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका काम है। तो ये इन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और हाई कोर्ट के अंदर भी लीगल सर्विस कमेटी बनी हुई है हाई कोर्ट के अंदर। तो ये जो चारों है लेवल्स, हर जगह पे आपको मीडिएशन सेंटर्स मिल जाएंगे जहां पे की केसेस की सेटलमेंट करवाई जाती है, दोनों पार्टीज को समन्स भेजे जाते हैं, दोनों पार्टीज को बुलवा के, जो लोग कोर्ट में नहीं जाना चाहते हैं, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहते, जिनके पास पैसा ज्यादा नहीं है, जिनके पास टाइम ज्यादा नहीं है, कोई भी यहाँ जाके लोक अदालत के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू अपना केस का सेटलमेंट करवा सकता है। ठीक है, तो इनका काम क्या है, इनका काम वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी टू द डिस्प्यूट। अगर किसी पार्टी को कोई डिस्प्यूट है, आपस में कोई डिस्प्यूट है, तो वो जाके एक पार्टी भी लोक अदालत में जाके अपनी प्रॉब्लम को बता सकती है। जब वो उनको बताती है अपनी सारी प्रॉब्लम लोक अदालत में जाके, तो वो उसको देखते हैं सारा, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसके बाद वो, अगर वो एग्री हो जाता है लोक अदालत के थ्रू सेटलमेंट करवाने के लिए एक पार्टी भी, तो वो लोक अदालत उनका केस ले लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेने के बाद में वो दूसरी पार्टी को समन्स भेजती है कि आप भी आइए अगर आप इसके थ्रू सेटलमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लंबा प्रोसीजर नहीं चाहते, अपना केस सालों साल नहीं लटकवाना चाहते, आप नहीं चाहते कि बहुत टाइम वेस्ट हो, जल्दी से जल्दी आपका केस सॉर्ट आउट हो जाए, देन यू कैन टेक द समन्स एंड यू कैन अटेंड द सेटलमेंट प्रोसीजर बाय
प्रोसीजर विच इज ऑर्गेनाइज बाय लोक अदालत अकॉर्डिंग टू लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, ठीक है। उसमें होता क्या है, लोक अदालत कौन कौन से केसेस नहीं लेती है ये बता देती हूँ पहले। केसेस विच आर नॉट टेकन बाय लोक अदालत, कंपाउंडेबल ऑफेंसेज ओनली, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट हर तरह के सिविल केसेस को तो लेती है, क्योंकि ये सिविल केसेस के सीपीसी के अकॉर्डिंग बना है, सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग बना है। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सीपीसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल के अकॉर्डिंग नहीं किए जाते। उसके लिए सेशन कोर्स, हाई कोर्स वगैरह, अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्स बने हुए हैं, क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते हैं, इनकी ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब इनकी पावर, इनकी अथॉरिटी नहीं है कंपाउंडेबल ऑफेंसेज को सॉर्ट आउट करने की, ये इसमें जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो सिर्फ इसमें कंपाउंडेबल ऑफेंसेज या क्रिमिनल ऑफेंसेज नहीं होते, इसके अंदर सारे सिविल केसेस लिए जाते हैं। इसमें अवार्ड क्या दिया जाता है, जब आपका कोई केस सेटल हो रहा है, मतलब दोनों पार्टीज एग्री हो गई हैं केस को अपना सॉर्ट आउट करने के लिए, दोनों पार्टीज बैठ जाती हैं, उसमें लोक अदालत का पर्सन बैठता है, वो सारा डिस्प्यूट को उनका सॉर्ट आउट करता है, दोनों पार्टीज अगर एग्री हो जाती हैं, ठीक है, तो इसमें अवार्ड क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट डिग्रीज, मतलब उनकी आपस की सहमति के अकॉर्डिंग उनको डिक्रीज, डिग्री मतलब एक जजमेंट, डिग्री को बोलते हैं फाइनल जजमेंट, जैसे कोर्ट की आ जाती है ना, जज दे देता है, उससे पहले की डिग्री बोला जाता है उसको, ठीक है। डिग्री बोला जाता है लॉ की लैंग्वेज में, कि आपको मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन बोला जाता है जिसको, डिग्री को, कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, हमने आपको कह दिया कि अब आपका ये फैसला होगा और आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्टीज को जो वो फैसला दे देंगी लोक अदालत, वो बाइंडिंग होगा सब पार्टीज के ऊपर, दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा, और उसके लिए नो अपील लाइज अगेंस्ट दीज अवार्ड्स। इन केसेस में अगर जब लोक अदालत कोई फैसला दे देती है, आपका सेटलमेंट करवा दिया, तो आप उसके लिए फिर अपील में नहीं जा सकते, ये बात याद रखिएगा। आपका फैसला आ गया, आपने मान लिया, क्योंकि कंसेंट डिग्री डिक्रीज है, आप दोनों की सहमति से ही उन्होंने डिग्री दी है आपको, मतलब आपके फैसला सुनाया है आपको, तो आप उसके अगेंस्ट में आप कोर्ट में नहीं जा सकते फिर, ठीक है। और ये बाइंडिंग, इसीलिए ये बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग मतलब ये आप पे बाध्य है कि आपको जो ऑर्डर जो मिल गई डिग्री, क्योंकि आपकी सहमति से दिया, आपने उस समय हाँ की है कि हाँ वी आर एग्री टू सेटल दिस डिस्प्यूट, हम अपना केस को यहीं पे सॉल्व करते हैं ऐसे आपस की सहमति से, तो आप बाइंडिंग हो गए, आप बाध्य हो गए, इसलिए आप अपील में नहीं जा सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, समझ लीजिए अगर दोनों पार्टीज में से एक भी पार्टी एग्री नहीं होती है डिग्री आने से पहले, डिग्री तो फाइनल में आ जाएगी, मतलब जब आप आपस में सहमत हो गए, लेकिन अगर एक भी पार्टी उसमें सहमत नहीं होती है, अगर एक भी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, वो कैसे, मुझे लग रहा है कि मेरे फेवर में फैसला नहीं आया, मेरे हक में फैसला नहीं आया, मुझे तो नुकसान हो रहा है, तो तब कॉम्प्रोमाइज पे नहीं अगर होता, दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो क्या होता है, तब कोर्ट में आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने फैसला मान लिया, आपको डिग्री आ गई, तब अपील नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोनों में से एक भी पार्टी अगर उससे बात से सहमत नहीं है, उस सेटलमेंट से, कि नहीं जी मैं तो सहमत नहीं हूं, मुझे तो इतना चाहिए या मुझे तो यही करना है, तो अगर आप सहमत नहीं है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं अपना केस लेके। तो जितना भी आपकी अभी तक की प्रोसीडिंग हुई है, वो सारे पेपर्स आपके कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट वो सारा पढ़ लेगा, सुन लेगा, जितना भी अभी तक हुआ था, उसके आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट में होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, सीपीसी के अकॉर्डिंग है, लोक अदालत जो है वो समन्स देती है और एविडेंस भी लेती है, पार्टीज, एक पार्टी जब एग्री हो जाती है तो दूसरी पार्टी को समन भेज के बुलवाया जाता है कि आप आइए सेटलमेंट के लिए, आपकी एक पार्टी सेटलमेंट करना चाहती है, तो वो समन्स देती है, और एविडेंस अगर कुछ है तो ओथ के अकॉर्डिंग वो ओथ पे एविडेंस भी लेते हैं, एंड डिटरमाइन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और जितने भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं वो सारे लोक अदालत में ही किए जाते हैं। अभी आप सुनते होंगे लोक अदालत का आजकल बहुत फेमस हो रहा है, एक्चुअली जो लोक अदालत है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। और लीगल सर्विस अथॉरिटी मैंने आपको बोला हर डिस्ट्रिक्ट में हर कोर्ट के अंदर है, अवेलेबल है, आप लोग जा सकते हो वहां पे, किसी को भी अपना केस सॉल्व करना है। वो क्यों बनाई गई है, ताकि कोर्ट के ऊपर जितना बर्डन है, इतने पेंडिंग केसेस जो इतने सालों से लगातार हजारों करोड़ों केसेस पेंडिंग चलते आ रहे हैं, तो वो उनका बर्डन कम हो सके, आपके केसेस जो नए नए आते रहते हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, जल्दी से जल्दी केसेस खत्म हो सके, इसलिए लोक अदालत और ये लीगल सर्विस अथॉरिटी जो बनी है, ये आपके हर कोर्ट के अंदर आपको मिलेंगे। आप जाके देखिए, अगर आप कोर्ट के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अपने केस की सेटलमेंट करवाइए, मीडिएशन के थ्रू, आर्बिट्रेशन के थ्रू,
तो ये आपकी आपकी मदद के लिए बना है, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा आपका। थोड़ा बहुत जो चार्जेस लगेंगे कोर्ट के वकील के चार्जेस या पेपर्स के लगेंगे, और तो वही होंगे, और आपको ये बाध्य होंगे, दोनों पार्टीज को ये मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सेटलमेंट होती है लोक अदालत के थ्रू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें सारे सिविल प्रोसीजर के रूल्स और ऑर्डर्स फॉलो किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे सेटलमेंट होता है, इसमें क्या क्या नहीं होता है, कौन अपील में जा सकता है, क्या नहीं, मैंने आपको सारा बता दिया आपको। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें आपके पास, ठीक है। फ्रेंड्स प्लीज़ गो थ्रू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।